नमस्कार मेरे YouTube परिवार, एक बार फिर से स्वागत है मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु जर्नी पर है। और अभी मैं घर से थोड़ी देर में धाम के लिए रवाना हो रहा हूँ। मानस की पुस्तक, जिसके कारण मेरे अंतर्मन में जो भावना जागृत होती है, जीवन में तीसरी बार ये अखंड रामायण का पाठ मैं करवा रहा हूँ। मातू सिंह जी राठौड़, गाँव राजासर बिकान, इनसे मैंने ये पुस्तक खरीदी थी सन 1992 में। किन्नू किनानी आपको पूरा सामान दिखाएगी, जो पूरा नहीं बाकी है, राम दरबार तस्वीर बाकी है, ऑर्डर दिया हुआ है, और भी बहुत सारे जो फल फ्रूट कोई माला आदि बहुत सारे सामान बाकी हैं, जो कल श्री डूंगरगढ़ से लेकर के आने हैं। लेकिन जो कल मैं लेकर के आया हूँ, दाम पर लेकर के जा रहा हूँ, वो चीज़ें दिखा रहा हूँ। और इंगमा की घी है कि हाँ घी है, और चौकी काटी है, ऊर्जा का सिर जी कांसी की थाली कांसी भट की हो ए गरम वाले, और चीजा डूंगरगढ़ देखो, ये शो के लिए बा डेकोरेशन के लिए, और ये आपके बैठने के लिए जो बोलते हैं आसन, 20 आसन है, और हवन सामग्री, पूजा सामग्री, ये पूरा का पूरा पूजा सामग्री का सामान है। अब इसमें क्या अलग अलग बताएं आपको, कम से कम सैकड़ों चीजें हैं इसमें, छोटी मोटी केसर केसर चाहिए जाएगी, सब कुछ चाहिए जाए, ये भगवान की पोशाक सहित कम से कम है सैकड़ों चीजें हैं छोटी बड़ी, जो हवन सामग्री और पूजा सामग्री की है। भगवान श्री राम की ध्वजा, ये देखो, ये है भगवान राम दरबार जो मंदिर बना है उस पर ये ध्वजा लगेगी भगवान राम की, और बालाजी हाथ जोड़कर प्रार्थना किए हुए हैं। इस प्रकार से बालाजी की ये चार ध्वजा शोभायमान होंगी वहाँ गाय एवं गरीब सेवा ट्रस्ट की जमीन पर। धनराशि का सदुपयोग हो और आपका हार्दिक स्वागत है, आप अवश्य ही पधारें श्री रामचरित्र मानस के अखंड पाठ में, जो 24 घंटे चलेगा और कार्यक्रम लगभग 36 घंटे चलेगा। क्यों सही है, 24 घंटा वो पाठ हुआ, और टेंट वाला भी आज ही आएगा, पूरा टेंट लगाना करना वो भी आज ही होगा सिस्टम जो है। तो आज का दिन है जो बहुत ही व्यस्त रहने वाला है मेरे YouTube परिवार। तो रामचरित्र मानस की कृपा से जो चल रहा है, और आप सभी YouTube परिवार के आशीर्वाद से, सहयोग से, मदद से जो कार्य चल रहा है, उसके बारे में आप कमेंट भी करना। और एक बात आप ज़रूर बताना, आपने अपने जीवन में अखंड रामायण के पाठ आपने जागरण लगवाए होंगे, सुंदरकांड का पाठ करवाया होगा, लेकिन अखंड रामायण के पाठ आप कितने करवा चुके हैं, ताकि मेरी अंतरात्मा को मुझे भी संतुष्टि मिले। रामचरित्र मानस को, रामायण की जो ये पुस्तक है, इसको सह सम्मान मैं अपने गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट के जो स्थान पर श्री राम दरबार का मंदिर बना है, अब हमेशा हमेशा के लिए मेरे YouTube परिवार वहीं पर रहेगी। ये पुस्तक इतने सालों तक घर पर रही है, पुस्तक के लिए स्पेशल मैं देखो ये बना हुआ जो स्टैंड है ये भी लेकर के आया हूँ, और इस पुस्तक की बहुत बड़ी महिमा है। तो सियाराम रसोई के लिए जो ज़रूरत के अनुसार जो सामान था वो मैं लेकर के आया हूँ, और बाकी किन्नू की नानी ने घर से भी गाल दिया है सामान, कोई कमी नहीं है सियाराम रसोई में। आपके आने का इंतज़ार है, आपके भोजन करने का इंतज़ार है, किसी भी प्रकार की हम कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं आपके स्वागत में। आज एक नया सिस्टम चालू कर दिया है, ये देखो कुंड का जो पानी भरा हुआ था उसको इस प्रकार से निकाला जा रहा है पाइप लगा करके, और यहीं पर टैंकर लगाया हुआ है। अच्छा थे टैंकर यहाँ भर के ले आओगे, गांव में पानी कौन ही, अच्छा नहीं इन तरीकों भर के ले आओ जठू, तो इस तरह से पानी टैंकर यहीं पर भर करके और यहीं पर खाली हो रहा है। अच्छा वो खेल के माँ खाली करी है, जो आठवीं करी है नहीं खेल में, शौचालय की जो टंकियाँ हैं ऊपर लगी हुई उसमें पानी इसी प्रकार से हमेशा भरवाते हैं, टैंकर नीचे आकर के रुक जाता है, और यहाँ से जो टैंकर के पुली लगी हुई है उसी से ऊपर पानी जा रहा है। देखो इंतज़ार है, कल सुबह 7 बजे से ही चालू हो जाएगा अखंड रामायण का पाठ। एक टंकी फुल भरी है, ठीक है एकदम फुल, वापसी में आगे पानी है। खेल भरने के बाद टैंकर में क्या है, पानी बच गया तो धीरे धीरे जैसे ही चारों तरफ है जो फेरी वाली जो सड़क है उसके पास पास जो पौधे लगे हुए हैं उसमें गलवा देते हैं। देखो इस प्रकार से टैंकर धीरे धीरे चल करके और पूरे ही पौधों में
जो पास पास में हैं उनमें गा ले रहा है। शाम को ही तैयार कर दिया है देखो हवन कुंड। और देवीलाल अभी चाय लेकर भी आ गया है। चाय लिए हो देवीलाल? और ऊपर जो आप देख रहे हैं श्री राम दरबार मंदिर के लिए कलर लेकर के आ गए हैं मिस्त्री जी पेंटर, और चालू कर दिया है प्राइमर करना। रामायण का अखंड पाठ शुरू हो जाएगा, तो इसके लिए बहुत ही जल्दी जल्दी ज़रूरी कार्य जो करने हैं वो ज़रूरी हैं करने। गायों को चटा आटा आहार दे दिया गया है। गमला बने मोटा मोटा दो इन आई ना जी सी पानी ले मोगा इया पानी गले पटांग मत दोए। तो ये जो पिंपल आप देख रहे हैं मेरे YouTube परिवार, ये किन्नू की नानी घर से लेकर के आई, घर पर है कहीं पर, ये उग गया था और उसने जो है ये इस तरह का ये बना करके क्या बोलते हैं गमला बना करके और घर पर ही ये पिंपल तैयार किया जो है। पिंपल थोड़ा सा रेत गेरिंग में, रेत गेर हो तो बोलो नीचे उड़ जी पानी हो। हाँ बस बस हम तो राख भगवान बालाजी की कृपा से ये लगा दिया है आज। और एक हमारे पास है एक्स्ट्रा बचा हुआ, वो है सुरक्षा कवच भी है, तो सुरक्षा कवच भी लगा देते हैं। तो मेरे YouTube परिवार ये जो सबसे पहले बांस आप देख रहे हैं, बांस की जो ये लकड़ी लेकर के और मैं बालाजी की धजा लेकर के आया और इसमें पैरा करके यहाँ सबसे पहली धजा लगाई, वो बहुत ही पुरानी हो गई, जीर्ण शीर्ण हो गई, तो अब आज नई धजा लगा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं धजा हमने एक तैयार कर ली है और एक साइड में रख रहे हैं। और अभी जो तो ये रस्सी जो आप देख रहे हैं फाइबर के ऊपर हम किस तरह से बांधते हैं ये आप देखेंगे आज। और दीनदयाल ऊपर चढ़ रहा है, इसी प्रक्रिया में काम जो है हमारा चालू है। इधर मिस्त्री जी है वो लगे हुए हैं, पेंटर साहब, इन्होंने प्राइमर कर लिया है पूरा। प्राइमर पूरा कर दियो कि मिस्त्री जी? हाँ प्राइमर पूरा कर दिया। अच्छा इन नीचे अठे प्राइमर कौन करोगे? अठे प्राइमर कर बाद में कलर कर। अच्छा सिंदूरी कलर है, बहुत ही बढ़िया है, भगवान श्री राम को सिंदूरी कलर मिस्त्री जी खुद सेलेक्ट करके ले करके आए हैं, मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा है और बहुत बढ़िया है। चालू करो साहब, बहुत बढ़िया है सिंदूरी कलर। ऊपर ऊपर को कंप्लीट हो ही होसी तो एक खाली हो एक पट्टो और ऐसी। सारे ही काम जो है लेट हो गए, विशेष करे सुंदरकांड का पाठ जो करता हूँ मैं वो भी बहुत लेट हो गया है। 2 बजे से पहले पहले पाठ होना ज़रूरी है। प्रसाद भी अभी चढ़वाया है देखो, देवीलाल प्रसाद चढ़ा करके आया बालाजी की श्री चरणों में, सन्यासी बाबा के श्री चरणों में। और बीकानेर से यात्री जो श्रद्धालु आए हुए थे वो भी गुड़ का एक कार्टून पूरा ले करके आए, स्टोर रूम में रखो, गुड़ का पूरा कार्टून ले करके आए हैं। देखो एक भाई जो बीकानेर से आए हैं, कोई बात को नहीं। और के नाम है भाई थारो? विष्णु सोनी। तो विष्णु भाई ये सोनी है, ये आए हैं बीकानेर से, सरदार साहब जा रहे होगे। अच्छा परिवार मिस्त्री जी को जो है यहाँ पर है, अपना जो टीन शेड बनाया हुआ है उस पर भी हनुमान जी की ध्वजा लगाना बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए इन्होंने 5 ध्वजा मंगाई। तो ये पहली ध्वजा यहाँ पर टीन शेड के ऊपर देखो लगा दी है। गायत्री दीनदयाल आनंदी सैनी नवी मुंबई से ये 5 ध्वजा जो भेजी हैं, इनमें से पहली ध्वजा मिस्त्री जी ने टीन शेड के ऊपर लगाई है देखो। ठीक है मिस्त्री जी, बहुत बढ़िया लगाई, आ जाओ नीचे।
तकड़ी बात है तेरा भेज जाए स्पीड है तेज अब आइए दो दाइयां बंदर है बंदर वाल आग गई दूसरी दजा बागेश्वर बालाजी धाम गाय एवं गरीब सेवा ट्रस्ट साधु जर्नी जो बोर्ड लगा हुआ है उसके पास ये चौथी दजा लगा दी है गायत्री दीनदयाल आनंदी सैनी नवी मुंबई द्वारा भेजी गई चौथी का आप देख रहे हैं धाम के ऊपर तीसरी और चौथी टीन सेट के ऊपर और अभी पांचवी लगेगी श्री राम दरबार जो मंदिर बनाया है उसके ऊपर सुबह लगाएंगे 5 बजने वाले हैं यहाँ धाम पर जो है एकदम पूरा कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है अभी भी चारों तरफ सेवादार लगे हुए हैं कोई कुछ काम कर रहा है कोई कुछ काम कर रहा है लेकिन कंप्लीट होने में अभी समय लगेगा इनको शायद रात के 9 बज सकते हैं ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन मैंने बोल दिया है इनको चाहे रात के 9 बजे चाहे 10 बजे लेकिन कंप्लीट कार्य करके ही रुकना है क्योंकि सुबह जल्दी रामायण का अखंड पाठ शुरू होने वाला है और मैं अभी हो रहा हूँ डूंगरगढ़ के लिए रवाना जहाँ पर श्री राम दरबार की जो तस्वीर कल ऑर्डर किया था वो बाकी है वो लेकर के आनी है अभी वो अभी जो मेरे को समाचार मिला है कि भाई तैयार है ले जाओ तो मैं लेने के लिए श्री डूंगरगढ़ जा रहा हूँ और कार्य जो आप देख रहे हैं सभी लगे हुए हैं अपने अपने काम पर प्रवीण कुमार है सतपाल नाथ जी फौजी गांव कटेड़ा फाजिलका पंजाब से जो प्रसाद भेजा था सुबह ही बालाजी के हमने समर्पित कर दिया था प्रसाद और दो और चढ़ा दे प्रसाद चढ़ाने के बाद सुबह ही बांटना चालू कर दिया था लेकिन मेरे YouTube परिवार में वीडियो नहीं बना सका बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम होने की वजह से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं सेवादार और ये भाई भी लूणकण सर से आया है बालाजी के श्री चरणों में प्रार्थना करने के लिए धोख देने के लिए और बाकी जो है यहाँ पर कार्य कर रहे हैं सेवादार मिस्त्री सभी को बांट दे भाई बच्चों को प्रसाद इसको ले लो और मोटरसाइकिल रुकी के गई शाबाश ले दो मंदे दे वाह भाई वाह जय बालाजी महाराज कोई पैकिंग करके दिया क्या मैं कागज पान पत्ता शास्त्री जी द्वारा लिखा हुआ सामान कल लगभग मैं ले गया था लेकिन फिर भी बाकी रह गया आज केड़ा सेव पुष्प माला ए पंडित जी का बाकी रह गया जो अभी मैं ले रहा हूँ और बे पुष्प गुलाब वाला और गाल दिया है पूरा ले लिया है सिस्टम महाराज शास्त्री जी ने जो बताया वो सामान ये ले लिया है मैंने हेमंत सिंह जी शेखावत नगर जोरहाट असम से 501 रुपया मुरारी जी शर्मा गांव चौड़िया राजासर सरदार सर चोरू से 251 रुपया महेंद्र कुमार जी चतुर्वेदी गांव कुमहोली फरुखाबाद यूपी से 101 रुपया नेताराम जी जाट गांव धोड़िया डेर करनू खेवसर नागौर से 201 रुपया मधु जी शर्मा नगर नोखा बीकानेर हाल गुवाहाटी से 201 रुपया इंद्राज सिंह जी जयपाल नगर खतूरिया कॉलोनी बीकानेर से 101 रुपया कमलेश जी चौधरी समदड़ी नगर बालोतरा बाड़मेर हाल पुणे से 551 रुपया राम कुमार जी एंड रूबी टोडी हावड़ा कोलकाता से 501 रुपया दिलबाग सिंह जी गोदारा गांव डोबी हिसार हरियाणा से 251 रुपया बहन अन्नू प्रशांत जी मिश्रा नगर बहेंद्र मुंबई से 500 रुपया सुनील कुमार जी जांगिड़ गाँव बादूसर जिला सीकर से 500 रुपया
रामेश्वर लाल जी खोजा नगर खड़कली जिला नागौर से 201 रुपया, उषा जी गोपीनाथ जी चौहान नगर पुणे महाराष्ट्र से 501 रुपया, किरसन जी यादव गांव श्री माधोपुर सीकर से 101 रुपया, सुभाष चंद्र जी शर्मा नगर तारानगर जिला चूरू से 300 रुपया, योगेश जी शर्मा गांव बादवासी जिला सीकर से 101 रुपया, भारती चंद्रशेखर जी शर्मा नगर जोधपुर राजस्थान से 251 रुपया, रोशन लाल जी पौड़ी गांव बामोली गढ़वाल उत्तराखंड से 101 रुपया, कान सिंह जी खेत सिंह जी तंवर गांव मांगासर सरदारसर चूरू से 151 रुपया, मदन लाल जी गढ़वाल नगर भादरा जिला हनुमानगढ़ से 251 रुपया, राकेश कुमार जी यादव गांव कोसली रेवाड़ी हरियाणा से 101 रुपया, शांति देवी जी काबरा नगर कोलकाता से 200 रुपया, मालूराम जी डगला नगर तारापुर बगसरा चूरू हाल महाराष्ट्र से 551 रुपया, हरजीराम जी गुर्जर आर्मी मैन नगर जिजोत कुचामन सिटी से 251 रुपया और राजेंद्र सिंह जी निर्मला देवी जी सांगवान गांव बाफर मेरठ यूपी से 501 रुपया। दिल से आभार मेरे YouTube परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं, उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें ताकि मैं पूरा पूरा हिसाब किताब रख सकूँ। धन्यवाद।